संजय लीला भंसाली की पद्मावती जब से बननी शुरू हुई है कोई ना कोई मुसीबत इसे झेलनी पड़ रही है। अब फिल्म बनकर रिलीज होने को तैयार है तो बीजेपी फिल्म के लिए मुश्किल खड़ी कर रही है। बीजेपी ने चुनाव आयोग, केंद्र सरकार और सेंसर बोर्ड को एक लेटर लिख अपील की है कि फिल्म क्षत्रिय समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती है, इसलिए फिल्म को रिलीज से पहले पार्टी के राजपूत प्रतिनिधियों को दिखाया जाए। बीजेपी की दलील है कि अगर फिल्म रिलीज से पहले उनके राजपूत प्रतिनिधियों को दिखा दी जाती है तो किसी भी तरह की तनावपूर्ण परिस्थितियों से बचा जा सकेगा। वही बीजेपी के राजपूत नेता एलके जडेजा ने एक बयान में संजय लीला भंसाली को दो विकल्प दिए। जडेजा ने कहा कि या तो फिल्म को बैन किया जाए या फिर इसे गुजरात चुनाव के बाद रिलीज किया जाए। हालांकि एलके जडेजा ने इस बात को खारिज किया कि इस प्रोटेस्ट का आगामी चुनाव से कोई मतलब है। एलके जडेजा ने कहा कि फिल्म में रानी पद्मावती और खिलजी के बीच इंटीमेट सीन फिल्माए जाने की खबर थी, इसलिए पार्टी को रानी पद्मावती से जुड़े तथ्यों से छेड़छाड़ किए जाने की चिंता है। बता दें कि पद्मावती 1 दिसंबर को रिलीज होनी है। ये फिल्म रानी पद्मावती के जीवन पर आधारित है। इससे पहले रानी पद्मावती और खिलजी के बीच इंटीमेट सीन फिल्माए जाने की खबरों की वजह से करणी सेना ने फिल्म का विरोध किया था और फिल्म का सेट जला दिया था। अब जबकि पद्मावती को रिलीज होने में 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है तो देखना होगा कि भंसाली बीजेपी द्वारा खड़ी की जा रही मुश्किल से कैसे निपटते हैं। NMF न्यूज की रिपोर्ट।